जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। मैं आज आपके सामने एक बार फिर से एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग की क्लास लेके आया हूँ। आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी, आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी हो पाएगी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए। तो रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करूँगा। जिस टाइप का आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है उसी टाइप के सारे आज हम यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन आपका ये एग्ज़ाम रहता है और टाइम की इसमें शॉर्टेज रहती है, तो विद इन टाइम आपको कैसे एग्ज़ाम को कवर अप करना है, कैसे आपको स्पीड रखनी है ताकि आपका रीजनिंग का पोर्शन जो है वो स्कोरिंग रहे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप यहाँ से ले सकें। तो स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को हम। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आप एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आप जुड़ जाएं। इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको डे टू डे के करंट अफेयर, पीडीएफ, स्टडी मटीरियल, मॉक टेस्ट, ये आप सभी को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसके साथ अगर आप अपनी एसएससी जीडी की तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, 100% आपको सक्सेस चाहिए, तो आप विजयपथ एजुकेशन ऐप से 200 से ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर जो हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। ये सारे के सारे आपके पेपर जो हैं वो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं। इसमें आपके कुछ ओरिजिनल पेपर, सॉल्व्ड पेपर और साथ में प्रैक्टिस सेट्स आपके रहते हैं। 200 से ज़्यादा आपके ये मॉक टेस्ट रहेंगे जिसमें आपको चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट भी इसमें आपको मिलेंगे। तो प्ले स्टोर से आप विजयपथ एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और एसएससी जीडी का जो हमारा ये बैच है मॉक टेस्ट सीरीज का, इसको आप परचेज करें। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को हम। सो एसएससी जीडी के लिए जिस टाइप की आपकी रीजनिंग रहती है वो आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ पे दिया गया है वो मैंने यहाँ पे नंबर सीरीज का रखा है। तो जो आपके पास सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपके पास बोला गया है, ये एक सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज आपके पास दी गई है जैसे कि पहले है 3, उसके बाद है 15, फिर है आपके पास 8, उसके बाद है आपके पास 24, उसके बाद फिर से दिया गया है 15, उसके बाद है 35, फिर आपके पास गैप दिया गया है, उसके बाद है 48 और लास्ट में है आपके पास 35। जब भी आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है सीरीज का कि पहली वैल्यू छोटी है फिर बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी, तो हमेशा आपको मिडल का नंबर जो है वो छोड़ के चलना है। आपको इस टाइप से इनको जो है वो कंपेयर करना है। तो 3 से जब मैं 8 में जाऊँगा तो मैं कितना आगे जाऊँगा, प्लस के 5 आगे जाऊँगा। 8 से कितना आगे जाऊंगा, 8 और 7 हमारे 15 होते हैं, और यहाँ पे कौन सा पैटर्न लगेगा, यहाँ पे 5 हमने ऐड किए फिर 7 ऐड किए, तो यहाँ पे हमारा 9 का पैटर्न जो है वो अप्लाई हो सकता है। इस रूल को हम फॉलो करते हैं, 15 और 9 जो हैं वो हमारे रहते हैं 24। अगर मैं यहाँ पे 24 भरता हूँ तो 24 और 11 जो हैं वो मेरे 35 बनने चाहिए, तो जो कि हमारे बन रहे हैं, तो इस गैप के अंदर आएगा 24, जो कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर यहां पर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन आपके पास रहेगा। 6 को जो है वो 18 बोला गया है, तो वैसे ही आपको बताना है कि 8 को जो है वो क्या बोला जाएगा। तो सिंपल सा रूल यहाँ पे अप्लाई अगर मैं करूँ तो 6 × 3 जो है वो मेरा 18 बन गया। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 3 ही होना चाहिए, तो 8 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 24 हमारे पास आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में 24 नहीं दिया गया है, तो फिर मैं यहाँ पे जो है वो किसी और नए रूल को जो है वो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा।
यहाँ पे जो रूल दिया गया है, यहाँ पे इनटू थ्री का पैटर्न जो है वो फॉलो नहीं किया जाएगा, कोई और पैटर्न जो है वो यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे सिक्स का जो है वो स्क्वेयर यहाँ पे हम कर सकते हैं, सिक्स का स्क्वेयर होगा हमारे पास 36, और 36 का आधा जो है वो रहता है हमारे पास 18। वैसे ही 8 का स्क्वेयर जो है वो रहता है 64, और 64 का आधा जो है वो हमारे पास रहता है 32। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, इसमें आपको एक ओड वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है, कौन सा इसमें से जो अलग एक ऑप्शन है वो आपको निकालना है। इसमें इवन और ओड का क्वेश्चन आपका नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन में आपको इन चारों ऑप्शन में से कोई एक अलग ऑप्शन ढूंढना है जो इनके साथ मैच नहीं खाता हो। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको लिखूं, जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पे मैंने लिखा सेब, उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे संतरा, उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे केला, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया गाजर। तो इन चारों ऑप्शन में से ये जो गाजर है ये सबसे अलग है, क्योंकि ये पहले तीन फ्रूट हैं और ये हमारी वेजिटेबल है। तो उसी प्रकार से इन चारों ऑप्शन में से कोई आपको एक पैटर्न लगाना है जिसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को अलग ढूंढ सकते हैं। मैं 126 की बात करता हूँ, 126 जो है वो हमारा रहता है 125 प्लस 1, मतलब कि 125 जो है ये हमारा 5 का क्यूब रहता है, 5 का क्यूब और प्लस 1 ये हम अप्लाई कर सकते हैं। 28 का मतलब है, 28 का मतलब है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब मेरा रहता है कितना 27, और प्लस 1 28 है। 65 की जब बात करते हैं तो 4 का क्यूब 64, और 64 और प्लस 1 हमारा 65। लेकिन जब 215 की बात करते हैं तो 6 का क्यूब हमारा रहता है 216, 216 और 1 हमारा 217 होना चाहिए, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन में प्लस का पैटर्न चला है, लेकिन यहाँ पे 216 से 1 कम कर दिया है 215। तो आंसर हमारा कौन सा रहेगा, 215, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे शब्दकोश का मतलब है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना है किस प्रकार से आपके ये सारे ऑप्शन आपके फिट होंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं आर से सारे अल्फाबेट आपके स्टार्ट हैं, आर और ए, सब में आर ए जो है वो कॉमन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डिजिट कौन सा रहता है, सबसे पहले एबीसी से आपको स्टार्ट करना है, तो आर ए कॉमन है। थर्ड यहाँ पे डिजिट एन है, यहाँ पे डी सी सी और एन, तो सी जो है वो सबसे पहले आता है, पहला और दूसरा इसी में से आएगा, तो आर ए सी कॉमन है यहाँ पे। उसके बाद चेक करना है ई पहले आता है या फिर के पहले आता है। तो जब आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे चेक करेंगे तो ए बी सी डी ई, ई जो है वो पहले नंबर पे आएगा, मतलब कि सबसे पहले आएगा आपके पास कौन सा नंबर, तीसरा नंबर सबसे पहले आएगा, फिर ई के बाद के, उसके बाद आएगा 4, ये दोनों आपके खत्म हो गए, तीसरा और चौथा ऑप्शन खत्म हो गया। उसके बाद आर ए डी वाला ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, ये 2 आ जाएगा, ये डी वाला खत्म हो गया, फिर आर ए एन और यहाँ पर भी आर ए एन, फिर यहाँ पे जी है और यहाँ पे टी है, तो जी पहले आता है मतलब पहले वाला, और फिर 5वें वाला, तो 34, 21 और 5, 34, 21, 5 ये आपका ऑप्शन रहता है, ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपका जो है वो क्वेश्चन, इसमें आपको वैल्यू जो है वो फिल करनी है। ये जो दो आपके पास टेबल बने हैं इसमें और इसमें कोई एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे थर्ड वाले में भी वैल्यू को फिल करना है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, क्वेश्चन में दिया गया है 8, 24, फिर है 216 और उसके बाद है 72, इस टाइप का कुछ ये बॉक्स जो है वो आपके पास दिया गया है।
8 को अगर मैं 24 के पास लेके जाना है तो मल्टीप्लाई 3 करते हैं, 24 को 72 बनाना है तब भी मल्टीप्लाई 3 करते हैं, और 72 को 216 बनाने हैं तब भी मल्टीप्लाई 3 करते हैं। तो इंटू 3 का पैटर्न जो है वो हमारे पास यहाँ पे फॉलो हो रहा है। आप सेकंड वाले पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं, इसमें भी आपके पास इंटू 3 का ही पैटर्न जो है वो फॉलो किया जा रहा है। तो जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो 14 इंटू 3 42, 42 को 3 से गुणा करेंगे तो 126 आएगा, और जब आप 126 को 3 से गुणा करेंगे तो आपके पास मल्टीप्लाई जब आप 3 से करेंगे तो 6 को 3 से करेंगे 18, लास्ट में 8 आना चाहिए, इसका मतलब है 378। ये आपका राइट आंसर रहेगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में आपके पास दिया गया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, मैंने मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे उठाए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो आप देख सकते हैं 2012 के एग्जाम में ये पूछा गया था। उसके बाद 2012 में जो है इसको पूछा गया था, उसके बाद 2006 2008 में ये आपका मैट्रिक बेस्ड जो आपका एग्ज़ाम रहता है, उसके बाद CHSL में ये पूछा गया था, स्टेनोग्राफर 2011 ग्रेड सी ग्रेड डी में पूछा गया था, उसके बाद CHSL 2012 में भी आपका ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो बार बार कहीं ना कहीं पे आपसे पूछा जाता है, और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं आपके कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में SSC के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे आपके पास जो कोड दिया गया है वो है मद्रास, जैसे कि MADRAS, ये मद्रास है, इसका कोड दिया गया है NB, उसके बाद है E, उसके बाद SB और T। तो M से जब मैं एक आगे जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, A से जब आगे जाऊंगा तो B, D से एक आगे जाऊंगा तो E, R से आगे S, A के आगे B, एस के आगे टी। तो इसका मतलब सब में कौन सा पैटर्न चला है, +1 का पैटर्न सब में चला है, तो वैसे ही मेरे को बॉम्बे में भी +1 का ही पैटर्न जो है वो लगाना है। BOMBAY, बी से आगे आता है सी, ओ के आगे आता है हमारे पास पी, एम के आगे एन, बी के आगे सी, ए के आगे बी, और बाय के आगे आता है जेड। तो ये सारा का सारा +1 का पैटर्न हमने लगाया, CPNCBZ, CPNCBZ। तो ये आपका जो है वो कौन से ऑप्शन में फिट हो रहा है, ऑप्शन सी में जो है आपके पास एक आंसर यहाँ पे फिट हो रहा है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छे लगे हैं, साथ में आप इसको जो है वो कॉपी पेन लेके जो है वो साथ साथ में वीडियो को पॉज करके सॉल्व करते चलें, आपको खुद पता चलेगा कि कितने टाइम के अंदर जो है वो आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। उसके बाद हम ऑनलाइन सेशन भी इसका रखेंगे जिसमें आपको टाइमर के साथ जो है वो साथ साथ में हम क्वेश्चन आपसे पुटअप करते चलेंगे। इस क्वेश्चन में आपके पास पूछा गया है कि बिहान का जन्मदिन जो है वो दिसंबर की कौन सी तारीख को आएगा, कैलेंडर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और पजल की फॉर्म में आपके पास कई बार क्वेश्चन जो है वो आता है उसी वे में ये दिया गया है। देखने में ये थोड़ा सा लेंथी या डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है विक्रम को याद है कि उसके पुत्र बिहान का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसका मतलब है कि विक्रम को याद है कि 25 तारीख के बाद है, इसका मतलब है 25 को तो वो बर्थडे नहीं है, 26 को हो सकता है, 27 को हो सकता है, 28 को हो सकता है, 29 को हो सकता है, मतलब कि 30 31 कहीं पर भी वो जन्मदिन उसका हो सकता है। विक्रम की पत्नी को याद है कि बिहान का जन्मदिन 23 के बाद और 27 से पहले, इसका मतलब 23 और 27 को तो होगा नहीं, लेकिन 23 के बाद क्या आता है, वो आता है 24, फिर आता है 25, फिर आता है 26, और उसने बोला लेकिन 27 से पहले है, इसका मतलब 27 को हम काउंट नहीं करेंगे और ना ही हम काउंट करेंगे 23 को, 23 के बाद
और 27 से पहले हमारे पास कितने दिन बचे? सिर्फ 3 दिन, 24, 25 और 26। और यहाँ पे इसने बोला था कि 25 के बाद है, तो 25 के बाद कौन सी डेट हो रही है? 26। और इस दूसरे टाइप के अकॉर्डिंग भी कौन सी डेट हमारी कॉमन आ रही है? 26। तो इसका मतलब उसका जन्मदिन किस तारीख को मनाया जाएगा? 26 तारीख को उसका जन्मदिन होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके पास दिया गया है, इसमें बोला गया है कि इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके वो नहीं बनाया जा सकता। आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, स्टेटमेंट, इसके जो अल्फाबेट हैं सारे के सारे STATE MENT, इसमें जो जितने भी ये अल्फाबेट दिए गए हैं इनका यूज करके हम कौन सा वर्ड नहीं बना सकते। तो इससे जो है वो MEN तो बनाया जा सकता है, क्योंकि ये M है, ये E है, ये N है। उसके बाद सेम भी बनाया जा सकता है, लेकिन स्टार्ट जो है वो हम नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड है आर, और इस स्टेटमेंट में कहीं पर भी आर नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी को हम यहाँ पर नहीं बना सकते। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास ब्लड रिलेशन का। ये आपका क्वेश्चन बोलता है पी पति है क्यू का, इसका मतलब है क्यू का पति कौन है? तो वो है आपके पास पी, हस्बैंड के लिए प्लस का सिंबल कर दिया, और वाइफ के लिए माइनस, और ये डबल एरो लगा दिया हस्बैंड वाइफ के लिए, फीमेल के लिए हमने नेगेटिव एरो लगाया। उसके बाद बोली गई है आर माता है एस और क्यू की, इसका मतलब क्यू की माता कौन है? वो है आर माता है, इसलिए नेगेटिव, और साथ में किसकी है? एस की भी माता है। तो एस का भी मेरे को पता नहीं है कि ये प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है। तो बोला गया है आर से पी का क्या संबंध है? आर का सॉरी आर से पी का, आर से बताना है कि इसका क्या संबंध है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है, यहाँ पे पी पति है क्यू का पति आ गया पी, आर माता है एस और क्यू की, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो ठीक बोला गया है। आर से पी का क्या संबंध है? आर से आपको बताना है पी का क्या संबंध है। तो ये जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक जो है वो हुई है, आर से आपके पास पूछा गया है, तो ये जो है ये इसका इसकी बेटी का जो है वो पति है, तो इनका तो दामाद हुआ, लेकिन पी का जब बात करेंगे तो पी की ये सास हुई। ऑप्शन डी वैसे हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है वो कहीं ना कहीं एक एरर जो है वो मिल रहा है, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे एरर है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ सकता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, डायरेक्शन का ये क्वेश्चन रहेगा। बोला गया है एक महिला 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, मतलब कि एक महिला है जो कि 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चली, यहाँ से इसको चलाते हैं हम, यहाँ तक चली गई 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, उसके यहाँ पश्चिम की ओर मुड़ती है, पश्चिम का मतलब है वेस्ट की ओर मुड़ती है, तो यहाँ से वेस्ट की तरफ मुड़ गई, और कितनी गई है? 4 किलोमीटर जो है वो गई, 4 किलोमीटर चली गई, फिर दक्षिण की ओर मतलब कि साउथ की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर गई, इसका मतलब 3 तो ये पहले ही गई है, उसके बाद 4 और जाएगी तभी ये कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर हो जाएगा। फिर अपनी बाई ओर मुड़कर 4 किलोमीटर गई, बाई का मतलब है लेफ्ट साइड, यहाँ से मुड़कर गई है 4 किलोमीटर, इस पोजीशन पे ये यहाँ पे पहुँचेगी। वह प्रारंभिक स्थिति से कहाँ पर है, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है एंडिंग पॉइंट तक वो कहाँ से है, प्रारंभिक स्थिति से, तो यहाँ से है ये 4 किलोमीटर किस डायरेक्शन में? साउथ में, दक्षिण में, तो 4 किलोमीटर दक्षिण, ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये आपका डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन आपके पास रहेगा। आपके पास एक कथन या स्टेटमेंट आपके पास दी गई है,
राजमार्गों के पास शराब की बिक्री पर क्या प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? यहाँ पे आपके पास बोला गया है कि जो शराब की बिक्री है उनको नेशनल हाईवे पर क्या प्रतिबंध लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए? तो एक रीजनिंग के अकॉर्डिंग बोला गया है नहीं, लोगों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए क्योंकि ये उनका मौलिक अधिकार है। उसके बाद सेकंड में बोला गया है हाँ, 90% सड़क दुर्घटनाओं में ड्राइवर आते हैं जो कि शराब के प्रभाव में आते हैं, वो शामिल होते हैं। तो यहाँ पे पहले में बोला गया है कि प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, दूसरे में बोला गया है प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो ये तो अपनी अपनी थिंकिंग है, लेकिन जो पहला तर्क है उसमें एक चीज़ ये बोली गई है कि इनका मौलिक अधिकार है, ये इनका फंडामेंटल राइट है। तो नहीं, हमारे पास टोटल सिर्फ और सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट हैं, जिसमें से ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इसके फिर सेकंड के अकॉर्डिंग जब बात करें तो सड़क दुर्घटनाओं में ड्राइवर जो है वो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, उसी के कारण जो है वो शराब दुर्घटना होती है, और इसीलिए राजमार्गों के पास, एनएच के पास, जो है नेशनल हाईवे के पास शराब की बिक्री पर प्रतिबंध होना चाहिए। तो तर्क 2 जो है ये हमारा काफी मजबूत है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके कई बार पूछे जा सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे जाते हैं। ये आपका एसएससी सीएचएसएल 2018 का आपका क्वेश्चन है। एसएससी के जितने भी आपके क्वेश्चन रहते हैं आपको उनसे घबराना नहीं है कि ये एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है, एमटीएस का क्वेश्चन है, फेज 4 का क्वेश्चन है, या फिर एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन रहते हैं वो कई बार रिपीट होते हैं, तो सीएचएसएल का क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में भी कई बार पूछा जा सकता है। आपको सारे के सारे पैटर्न को जो है वो फॉलो करना है। सिलेबस ऑलमोस्ट आप सभी का सेम रहता है हर किसी एग्जाम का, लेकिन बस आपके लेवल की जो बात है वो हर किसी एग्जाम में वेरी करती रहती है। तो यहाँ पे बोला गया है जी को सबसे पहले 31 और 43 बोला गया है। यहाँ पे चेक करें, ये है आपके पास जी, इसको जो है वो 3, यहाँ से 3 और यहाँ से 1, 31 बोला गया है। उसके बाद 43 की बात करें तो ये जी है, इसको बोला गया है, इस जी को 4 और 3 जो है वो बोला, सॉरी ये वाला जी नहीं है, 4 और 3 वाला जी है ये आपका, ये आपका 4 है और ये आपका 3 है। तो इस टाइप से आपको एक कोडिंग बतानी है, लेट का कोड आपके पास क्या यहाँ पे रहता है। तो लेट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले एल आपको ढूंढना है, एल कहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे, मैं यहाँ पे अगर एल की बात करें एल आपके पास दिया गया है ये, तो एल आपके पास कहाँ पे आ रहा है, एल आ रहा है 4 और 4, 44, इसका मतलब एल का कोड आएगा 44। उसके बाद ए की बात करते हैं, ए आप कहीं पे भी यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, जैसे कि ए है, ये है 2 और ये है 3, तो ए आ गया आपके पास 23। वैसे ही टी और ई ढूंढना है, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि आपके पास 44 और 23 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपके पास दिया गया है, सिंबल को आपको चेंज करना है। क्वेश्चन दिया गया है आपके पास 3, उसके बाद डिवाइड को बोला गया है किसमें, माइनस में, उसके बाद है 12, माइनस को बोला गया है आपके पास क्या, प्लस, उसके बाद बोला है 40 प्लस 5, 40 आपने लिख दिया, और प्लस के सिंबल को क्या बोला गया है, प्लस के सिंबल को बोला गया है मल्टीप्लाई, उसके बाद है 5 और इंटू 20, तो इंटू को बोला गया है डिवाइड यहाँ पर, और इक्वल में आपको इसका आंसर जो है वो निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 12 प्लस के 40 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड करेंगे हम 20,
20 से 40 आपका कट जाएगा, 2 टाइम, या आपके पास बचा 3 माइनस 12 और प्लस के 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपके पास आएगा 10, 3 और 10 आपके पास होते हैं 13, माइनस के 12, 13 में से 12 चले गए तो आंसर आपके पास कितना आ गया, 1। तो ऑप्शन बी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे 4 डिफरेंट जो हैं वो इमेजेस आपके पास दी गई हैं, उन इमेजेस की हेल्प से आपको इस को जो है वो आपको कंप्लीट करना है। इस फोटो जो है आपके पास सामने दी गई है, इसको आपको फिल करना है कि कौन सी इमेज यहाँ पे आपके पास प्रॉपर फिट होती है। ये आपका एक टाइप का क्लासिफिकेशन एनालॉजी का आपका क्वेश्चन यहाँ पे रह सकता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास शेप तिरछी है इन दोनों में, यहाँ पे प्रॉपर एक स्क्वायर की शेप है तो यहाँ पर भी स्क्वायर की शेप है, तो कोई भी ऑप्शन आ सकता है। उसके बाद बात करेंगे, 2 डॉट आपके अंदर हैं और 2 डॉट आपके बाहर हैं हर किसी इसमें, तो इसमें भी 2 डॉट आपके बाहर आने चाहिए, 2 अंदर आने चाहिए। तो यहाँ पे 2 डॉट बाहर हैं, 2 अंदर हैं, यहाँ पे 2 बाहर हैं, 2 अंदर हैं, तो यहाँ पे तो 2 अंदर हैं लेकिन 3 बाहर हैं, ये नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ 1 बाहर है, तो इसलिए ना तो ऑप्शन ए ना तो ऑप्शन सी। अब इनमें से चेक करते हैं कौन सा आएगा। यहाँ पे ये जो 2 डॉट हैं ये आमने सामने हैं, तो यहाँ पर भी 2 डॉट आमने सामने आने चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल फिट आएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि आपको इन चारों को आकृतियों में से, चारों पिक्चर में से कोई एक अलग आपको ढूंढनी है। ये आपका फिर से पिक्चर क्लासिफिकेशन का आपका जो है वो क्वेश्चन रहेगा। इन 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक अलग यहाँ पे शेप ढूंढनी है। देखने में काफ़ी इजी लग रही है, सर्कल के अंदर ये आपका छोटे से 2 गोले बनाए गए हैं, इस सर्कल के अंदर भी छोटे से 2 गोले हैं, यहाँ पर भी 2 गोले बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी गोला नहीं बनाया गया है, इसलिए ऑप्शन सी इन 4ों में से अलग यहाँ पर रहता है। उसके बाद मिरर इमेज से आपका ये क्वेश्चन है, मिरर इमेज आपको बतानी है। मिरर इमेज के लिए सबसे अच्छा आपके पास मेथड है कि आप किसी भी चीज़ को जो है वो पेपर के ऊपर आपको लिखना है, उल्टा सीधा आप उस चीज़ को पहचान सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल फिट आपका रहेगा। ये जो है आपको मिरर इमेज जो है वो आपको वो कैसे पहचाननी है, किसी भी पेज के ऊपर आपको बिल्कुल डार्क करके, गाढ़ा करके जो है वो आपको इस टाइप से एक पिक्चर जो है वो बनानी है इस टाइप से, और जब आप उस यहाँ पे जो है वो इस टाइप की आपकी ये जो है वो पिक्चर यहाँ पे रहेगी, इस टाइप की आपकी ये पिक्चर रहेगी, जब आप इस पिक्चर को उस पेज के उल्टी तरफ आप फिर से इसको ड्रॉ करेंगे, तो बिल्कुल हल्की हल्की आपको ड्रॉ करनी है, तो कुछ इस टाइप की आपकी जो पिक्चर है वो वहाँ पे निकल के आएगी, जिससे आप उसकी मिरर इमेज को जो है वो पहचान सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर आपके पास रहेगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, आई होप आप सभी को ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आए हैं। इसमें बोला गया है इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आपको यहाँ पे काउंटिंग करनी है। ये है 1, ये 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और यहाँ पे 6। बच्चे ज़्यादातर गलती क्या करते हैं, इसके ऊपर 7 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे 7 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आपको जो ट्रिक है वो आपकी ट्रिक तभी पॉसिबल हो पाती है जब आप किसी ट्रायंगल के अंदर जो है वो नंबर को लिखते हैं। अगर आप इस आकृति को ध्यान से देखें
तो कहीं से भी ये आपके पास ट्राइंगल नहीं लग रही है, इसलिए यहाँ पर जो है वो आपका कोई भी नंबर नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे आपका जो मेथड रहता है, मैक्सिमम जो आपका नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना होता है 2 से, तो 6 × 2 = 12 आपके पास इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। तो ये आपके सारे के सारे आज के क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हैं। आप हमारे सोशल मीडिया चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब के साथ आप जुड़ें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का आप हमारे पास ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको डे टू डे के करंट अफेयर, PDF, स्टडी मटेरियल, HPG के नोट्स, इंडिया जी के नोट्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग जी के सारे आपके सब्जेक्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF जो है, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ में अगर आप SSC GD का मॉक टेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो www.vijaypatheducation.com पर जाएं, या फिर प्ले स्टोर से विजयपथ एजुकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आप SSC GD का बैच जो है वो परचेज कर सकते हैं। साथ में आप हमारे पास बेसिक फाउंडेशन का कोर्स भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको कवर कराएगा स्टेट और सेंटर के गवर्नमेंट एग्जाम को, जिससे आप अपनी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ जुड़ेंगे, जिसमें आपके SSC GD के रीजनिंग के फिर से एक इम्पोर्टेंट सेशन से शुरुआत करेंगे। सो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।